जिस चरवाहा विद्यालय की आप अपमान कर रहे हैं, उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार से ही आज मैं विधानसभा में खड़े होने के लायक बनी हूँ। हमने तो उस समाज के दबे कुचलों को त्याग की, उस घोघा चुनने वालों की बढ़ाया, हमने उस जूता सीने वाले के को उस मनोबल बढ़ाया कि आओ शिक्षा ग्रहण करो, तुम भी जागरूक बनो, तुम भी समझो कि तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान की परिकल्पना की थी उस संविधान में तुम्हारे क्या अधिकार है। कि तुम्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, तुम्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, तो हमारा काम भी है आशियां बनाने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय जगदा बाबू जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जिसने इस महिला को पहली बार महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए मोहनिया की आजादी के बाद प्रथम महिला विधायक बनने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं अब धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी पार्टी को। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मोहनिया विधानसभा की समस्त जनता का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं आजीवन इसके लिए मैं आभारी रहूंगी। मैं सभी माननीय सदस्यों के बीच में मैं पहली बार बोल रही हूं, इसलिए मैं आप सभी को भी मैं सादर प्रणाम करती हूं। शिक्षा का की बात चली है और शिक्षा की बजट पर हम कटौती प्रस्ताव पे बोलने का अवसर मिला है और शिक्षा की बात हुई और बार बार सदस्यों के द्वारा आ रहा है। महोदय, शिक्षा की नींव पर ही किसी राज्य की बुलंद इमारत खड़ी होती है। शिक्षा हमारे ज्ञान कुशलता आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सुधार लाती है। शिक्षा ही मानव में मानवता के सही मार्ग को दर्शाती है। लेकिन वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा की मैं बात करूं, चाहे मैं उच्च शिक्षा की मैं बात करूं, हर दिशा में ये सभी जानते हैं कि जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो सब गर्त में है। बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के विवश हो गए। सवाल उठता है कि आप शिक्षा की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा का स्तर आज के समय में क्या है? आप भवनों की बात करते हैं, जिस मिड डे मील की बात करते हैं, मैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी की तरह होते हैं। हम चाहे वो जिस आकार में, लेकिन पहली से पांचवी तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आज सरकारी विद्यालयों की मैं बात करना चाहूंगी, जिस विद्यालय आज के बच्चे एजुकेशन की बात नहीं करते, आप उसकी व्यवस्था करते हैं कि कुपोषण के शिकार जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उस बच्चों के खाद्यान्न के लिए। तो दोपहर में आप देखो कि जो अपराह्न में बच्चे घंटियां थाली और चम्मच बजाते भेजते हैं कि हमें भोजन मिलेगा। जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है सरकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भवन है, कुर्सी नहीं। आज भी मैं कैमूर जिले से आती हूँ, आज भी मैं अंबेडकर नगर भभुआ के वार्ड नंबर 14 के अंबेडकर नगर का दलित बस्ती है, वहाँ की प्राथमिक विद्यालय की भवन आज भी अगर कोई देखे तो जर्जर अवस्था में। सरकारें आती हैं और वहाँ की सरकार, कभी किसी ने सूद नहीं ली। इसलिए सूद नहीं ली क्योंकि वो दलित बस्ती का वो विद्यालय है। जिस चरवाहा विद्यालय की आप अपमान कर रहे हैं, उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार से ही आज मैं विधानसभा में खड़े होने के लायक बनी हूँ। उस चरवाहा विद्यालय के संस्कार ने ही मुझे उस योग्य बनाया है। और भूलिए मत, वो विद्यालय समाज के दबे कुचले और शोषितों की मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर, तो सरकारी विद्यालयों में आपके बच्चे नहीं, आपके महानुभावों के बच्चे नहीं होते हैं। आज भी बात को माननीय सदस्य ने एक बात कहा, आप विद्यालय, आप अपने गांव का जब जाती होंगी तो आप एक टूर करने जाती होंगी, आपने गांव की निवासी नहीं है जो आपने छप्पर की बात कही है। हमने तो उस समाज के दबे कुचलों को त्याग की, उस घोघा चुनने वालों की बढ़ाया, हमने उस जूता सीने वाले के को उस मनोबल बढ़ाया कि आओ शिक्षा ग्रहण करो, तुम भी जागरूक बनो, तुम भी समझो कि तुम्हारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान की परिकल्पना की थी उस संविधान में तुम्हारे क्या अधिकार है। सामाजिक समीकरण को भी याद करना होगा। माननीय महोदय, इस सदन में भी एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, 2005 की बात बहुत माननीय सदस्य कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक समीकरण को आप इग्नोर नहीं कर सकते। माननीय महोदय, कहीं ना कहीं उन संघर्षों की बदौलत ही आज भी जो आप देखेंगे, जो उन समाज के बच्चे जो आवास में ये बुलंदी आई है, ये बुलंदी 2005 अभी पहले नहीं थी। इस बुलंदी को लाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया है।
तब ये बुलंदी आई है। और जिन भावों का आप बात करते हैं, मैं बात कर यान हमारे चैनपुर के माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं। चैनपुर में हाटम एक विद्यालय है जहाँ बच्चे दरी पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। हमारे महबुआ की क्या जो जिला है वहाँ नगर पालिका मध्य विद्यालय है, दरी पर पढ़ाई करते हैं। और जिस महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा की बात करती हैं, कैमूर जिले में एक भी अंगीकृत सरकारी महिला कॉलेज नहीं। कहाँ है आपकी महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले? और एक भी मैं बात करना चाहती हूँ कि जिस शिक्षा की आप बात करते हैं और भवन का नहीं है, विद्यालय में शिक्षा, आपने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा में हमने कर दिया, उच्च शिक्षा में, लेकिन शिक्षक कहाँ है? विद्यालयों में एक ही शिक्षक सारे विषयों की शिक्षा देता है। अगर फिजिकल एजुकेशन का टीचर, फिजिकल और शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देने वाला भी टीचर, वो एक ही टीचर सब देता है, तब सवाल उठता है कि राइट टू एजुकेशन आपका कहाँ है? और जिस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपका कहाँ है? माननीय महोदय, आज शिक्षा विभाग में सरकार दावे करती है कि बजट में प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन शिक्षण कार्य को छोड़कर एक मांग मैं जरूर करना चाहती हूँ कि सभी गैर शैक्षणिक कार्य जो आज के परिवेश में शिक्षक गण कर रहे हैं, चाहे वो जनगणना हो, मिड डे मील हो, भवन निर्माण हो, ये शिक्षक को आपने शिक्षा कार्य के लिए लगाया है या मतगणना, जनगणना और भवन निर्माण के लिए लगाया है? शिक्षक का काम शिक्षा देना होता है। गुरु की महत्ता हमारे समाज में बहुत ही उच्च कोटि की होती है, तो शिक्षक को जब आप जनगणना में, जाति गणना में लगा देंगे और ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति कर देंगे, तो सवाल उठता है कि राइट टू एजुकेशन की बात करने वाली सरकार के सामने ये सवाल उठता है कि राइट टू टीचर की बताइए। तो शिक्षक की गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप खाने के लिए आप उसकी अलग एनजीओ के माध्यम से आप व्यवस्था करें, शिक्षक को शिक्षण कार्य में ही लगाए रहे, तो निश्चित रूप से एक नया दिशा तय होगी। महोदय, राइट टू एजुकेशन में गरीब बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक दिया गया है, लेकिन समय पर नहीं, क्योंकि क्यों नहीं समय से पूर्व स्कूल आती है, उन्हें सुनिश्चित पहले बुक किताबें नहीं दी जाती है। भवनों की मैं बात करना चाहती हूँ, 35% शिक्षण संस्थानों में शिक्षक की कमी है। महोदय, आज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी राज्य के, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रांग होना ये बहुत ही जरूरी है। जब तक से आप उन्हें 10% स्कूलों में भवन नहीं है, 50% में चार दीवारी नहीं है, 30% खेल के मैदान नहीं है, 10% शौचालय नहीं है, तो सवाल उठता है कि कहां से शिक्षा के व्यय में 2005 की बार बार गिनती नहीं कर सकते आप। विश्वविद्यालयों की बात आप देखेंगे कि डिग्रियां लेने में बच्चे 5 डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और 7-7 साल तक इंतजार करते रहते कि अब हमें डिग्री मिलेगी। अब हमें ये स्थिति है विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की, शिक्षकों की कमी। और मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ महोदय, मैं कैमूर जिले से आती हूँ और जिस परिवेश में मैं एक महिला हूँ और मैं जिस समाज से आती हूँ, शायद राजनीतिक परिपाटी में मेरी मैं पहली आई हुई हूँ, एक बार जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चियों के लिए अगर विद्यालय खोल दिया जाता है, तो निश्चित रूप से महिलाएं बच्चियां और सशक्त होंगी। ये एक मैं पहल करना चाहती हूँ। अगर ट्यूशन जाती है जिले तक, तो कई तरह की छेड़खानी और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस तरह आए दिन समाचार पत्रों में देखने को मिलता है। और जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, किसी भी समाज की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो आधी आबादी को सशक्त करना बहुत ही जरूरी है महोदय। इसलिए मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि महिला महाविद्यालय हमारे जिले में खोला जाए, बच्चियों के लिए एजुकेशन पे हर पंचायत में व्यवस्था की जाए। और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि तुम्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, तो हमारा काम भी है आशियां बनाने का। सुना है आप है, तुम्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, तो हमारा काम भी है आशियां बनाने का। सुना है आप हैं माहिर हवा चलाने में, हुनर न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।